संदर्भ में सोच लें, तो मैंने कहा आपकी जिसकी आदत है बात सेट होगी, उनकी भी सेट हो गई थी चॉइस, ये अफसर अच्छा है, ये सेठ अच्छा है, ये शहर अच्छा है, ये रास्ते ठीक है, और जिद्दी हो गए थे वो भी। तो वो सिर्फ मिठालाल मेहता के भरोसे रहे, मिठालाल मेहता ने चिमनी चेप दी, बाबूसा जैसा स्टॉलवर्ड, इतना बड़ा लीडर भैरव सिंह शेखावत, उससे बहुत उम्मीदें थी राजस्थान को, मेरे बड़े पिताजी तो थे। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि जब तीसरी बार आप सीएम बने कोई भी, तो फर्स्ट टाइम पे जो आपने काम किया, जब आप तीसरी बार में उससे अच्छा नहीं करो और आपकी सेट हो जाए, जिद्दी हो जाए, आप मनमानी करने लगे, मैं ही करूंगा सब कुछ, मैं ही हूं, कभी कोई पार्टी मैं से नहीं जीतती, हमसे जीतती है। किसी नेता को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कांग्रेस बीजेपी में, दोनों में। मैं फिर कह रहा हूं कि आपके चेहरे में आप बहुत सुंदर है इसलिए जीत रहे हैं, आपकी सोच, आपका विश्वास, आपकी टीम और आपका सामूहिक नेतृत्व तो आपको सत्ता में लाता है। जब 200 विधानसभा सीटों पर आपके पॉपुलर लोग जब निकलते हैं मैदान में, तो आप जीत कर आते हो। आज कांग्रेस हो या बीजेपी हो, क्या किसी एक नेता के भरोसे दोनों पार्टियां चल रही है? गलतफहमी है। टीम तैयार करनी चाहिए। मैंने एक दिन मीटिंग में कहा था, कांग्रेस की मीटिंग में, एक भाषण में मैंने कहा, एक भी आदमी को मन से तैयार तो करो, चार पांच, पार्टी को फिर से सत्ता में लाने में, पार्टी को खड़ा करने में, पार्टी के एक एक व्यक्ति का दिल जीतने के लिए जितना काम करे गहलोत साहब का। मैं गहलोत साहब को भेदभाव करने का हक नहीं है, जितना पार्टी ने उनको दिया है उतना तो किसी को दिया ही नहीं। तो वो तो पार्टी में आगे बढ़कर विश्व पितामह की भूमिका में आ गए, तो अब तो उनको पूरे राजस्थान में नए नए लोगों को यदि कोई नाराज है तो उसको राजी करना तो मुख्यमंत्री की ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी तोड़ना है, सत्ता आपके पास है भाई साहब, मना कौन करे, हम भी करेंगे आखिरी सांस तक राजनीति। तो मतलब अब ये जमाना आ गया कि बच्चों से लड़ेंगे, अच्छा लगता है, लोगों से लेना चाहते हैं ना, उतना देना नहीं चाहते, समझे आप राजनीति में। उनके साथ दिक्कत ही हो गई, उनके साथ दिक्कत, देखिए आप गहलोत साहब बहुत अच्छे लीडर है, लेकिन आदमी को सेल्फ सेंटर पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, मेरे लिए तुम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूंगा, ऐसे कैसे चलेगा। चाहे प्रताप सिंह खाचरियावास हो, चाहे भैरव सिंह शेखावत हो, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे वसुंधरा राजे सिंधिया हो, तो आपको तो अपने दूसरों के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, कि भाई मैं आज मैंने पार्टी के लिए आज मैंने मीटिंग बुलाई। वो मंत्री, मेरे को रंधावा जी का एक स्टेटमेंट बहुत अच्छा लगा, मुख्यमंत्री जी को कोई भी काम करे तो उसको ये तो ना कर सकते हैं कि ये अधिकारी मेरा, ये मंत्री मेरा, ये एमएलए मेरा, ये तो ना होता है। जब लड़ाई चली ना, तब सबने गहलोत साहब का साथ दिया। पायलट के पीछे पड़े रहोगे क्या? अब सचिन पायलट को यूज तो करना ही पड़ेगा, सचिन पायलट का भी अपना आधार है राजस्थान में, गहलोत साहब का अपना आधार है, बाकी सब नेताओं का अपना आधार है, प्रताप सिंह खाचरियावास कही जाएगा तो उसकी अपनी स्टाइल है, अपना आधार है। तो एक पूरा घर जब जाएगा इकट्ठा होकर।